आज मैं सभी को पेरेंट्सों को एक बात बताना चाहती हूँ, जिन पेरेंट्सों को पता नहीं होगा। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। हमारे बच्चे, सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनको हिंदी बहुत ही कम आ रही है। और ऐसी बात है एक लेफ़्ट राइट की, तो लेफ़्ट राइट तो सब बच्चों को पता है, पर बाएं दायां कंफ्यूज होते हैं। कोई बोलता है दाएं जाओ, तो बच्चों को पता नहीं रहता दाएं किस तरफ है और बाएं किस तरफ है। बहुत सारे पेरेंट्सों को पता ही नहीं रहता लेफ़्ट राइट कहाँ होता है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम। तो वैसे मैं बात बतानी हूँ, ये हमारा बाएं हाथ है और ये हमारा दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ में हमारे डी बनता है और बाएं हाथ में हमारे बी बनता है। तो मैं बताती हूँ, ये डी बी है तो बाएं हाथ, ये डी है तो दाएं हाथ। हमारे दाएं हाथ में डी बनता है और बाएं हाथ में बी बनता है। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि बच्चे अगर कहीं पे कोई बोल देगा कि बाएं की तरफ जाओ, तो ऐसे अपना हाथ देखना और जिस तरफ बी बना हो बायां वो है, जिस तरफ डी बना है दाएं। हमारे भगवान जी को भी पता था कि अब हमारे जनरेशन में अंग्रेज पैदा होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सबके हाथ में ऐसा निशान, वो बहुत सारे पेरेंट्सों को पता है, बहुत सारे पेरेंट्सों को पता भी नहीं है। तो अपने बच्चों को ज़रूर ऐसे समझाएं। और जैसे हमें लेफ़्ट राइट का पता नहीं रहता है, तो मैं तो ऐसे देखती हूँ कि एल बन रहा है तो ये लेफ़्ट है। तो अब ज़रूर बताएं, धन्यवाद। किस किस को पता है ज़रूर बताएं, मुझे भी। ये को ऐसे करना और ए बी सी डी आपको पता होगा, छोटी ए बी सी डी। तो ये बी बनता है, अपने हथेली में देख लेना, ये मेरे उल्टा बन रहा होगा उसमें कैमरा में। तो देखो, बी फोर बाएं हाथ, डी फोर दाएं हाथ। ये अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर कहीं पे